डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ एसएससी आज इंग्लिश वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का ताल्लुक इंटरमीडिएट क्लासेस से है और पार्ट टू से है, और इस मिस्टर चिप्स के अंदर 18 चैप्टर हैं जिसका चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम चैप्टर 18 तक 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है वो पॉइंट टू पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे ताकि कोई पॉइंट रहे ना। तो इसमें होता क्या है, एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। तो इनकी मुकम्मल तैयारी के लिए ये मुकम्मल वीडियो को देखते चले जाएँ और हमारे साथ टच रहिएगा, इंशाल्लाह 100% आपकी मिस्टर चिप्स की तैयारी होगी। तो मिस्टर चिप्स के राइटर जो हैं वो हैं जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन का जो ड्यूरेशन है वो 1900 AD से लेकर 1954 एनोडोमनी यानी AD तक है। तो ये नावल एक सेंटिमेंटल और साइकोलॉजिकल टाइप का नावल है जो कि उस वक्त लिखा गया जब हिटलर जो है वो दौरे हुकूमत में आया। तो फर्स्ट टाइम एक अखबार में पब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद 1934 में ये रीप्रिंट हुआ और एक बुक की हैसियत से, और ये बेस्ट सेलर के तौर पर सामने आया। इस नॉवल के अंदर जेम्स हिल्टन ने मिस्टर चिप्स की प्राइवेट लाइफ को डिस्कस किया है। इसमें जब वो फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं तो मिस्टर चिप्स जो है वो एक रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए हैं और रोरिंग फायर सामने जल रही है। असल में वो ब्रोंकाइटिस जो कि लंग्स डिजीज है उसमें मुब्तला है, और उस वक्त उनकी उम्र जो है 85 ईयर्स है। तो आप कह सकते हैं कि वो बहुत एजी हैं। उस वक्त उनको कोई ख़ास बीमारी तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है। तो इसीलिए उनके जो पर्सनल डॉक्टर भी हैं, उनके फ्रेंड भी हैं मिस्टर मेरिगल, तो वो मिसेज विकट को बताते हैं। मिसेज विकट कौन है, वो भी ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल में काम करती रही हैं और वो मिस्टर चिप्स को बहुत देर से जानती हैं, उनकी खैर खा हैं। तो मिस्टर चिप्स जो है वो मिसेज विकट के घर में ही रहते हैं और वो पेइंग गेस्ट हैं। पेइंग गेस्ट का मतलब यही है कि वो कुछ उनको पेमेंट कर देते हैं जिसके बदले में वो उनको सर्विसेज देती हैं। उनके दरमियान खलूस है, खलूस का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। तो मिस्टर विकट का घर जो है वो ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने है, और ये ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल वही स्कूल है जिसमें मिस्टर चिप्स जो हैं वो 40 साल से ज़्यादा का अरसा गुजार चुके हैं। उससे पहले उन्होंने एक साल मेलबर्न पब्लिक स्कूल में लगाया था, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ डिसिप्लिन का सामना था, बच्चों पर कंट्रोल नहीं था, तो वहाँ उन्होंने जॉब छोड़ी और फिर वो आ गए मिस्टर वेदरबाई के पास। मिस्टर वेदरबाई कौन थे? मिस्टर वेदरबाई उस वक्त एक्टिंग हेड थे ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के। तो उन्होंने मिस्टर चिप्स को कुछ डिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शंस दी, वो काइंड थे और वो तवाबन करने वाले थे। तो मिस्टर चिप्स को उन्होंने बताया कि आपने बिल्कुल पजल नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, और बड़े एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना है और कभी टेंपर लूज नहीं करना। तो मिस्टर चिप्स को वो लेकर क्लास में गए, तो पहली जो क्लास थी बड़े हॉल में थी, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली कोई 500 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो मिस्टर चिप्स ने वहाँ पे जाके जो है वो बात शुरू की। तमाम तलबा खामोश थे, नए थे, तो तमाम तलबा खामोश थे सिवाय एक लड़के के। एक लड़का शरारती था, उसका नाम तालबन कोहली था। तो कोहली ने क्या किया कि अपने डेस्क का जो लेट था, ढकना था, वो शरारतन नीचे गिराया, जिससे पूरे हॉल में शोर बरपा हुआ। तो मिस्टर चिप्स ने उसको फौरन खड़ा किया और उसको फिर बाद में कुछ लाइनें, यानी 100 लाइन जो है वो सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर लिखने को दी। तो वो मिस्टर कोहली का तल्लुक जो है मिस्टर चिप्स के साथ फिर वो बहुत दरीना रहा। मिस्टर चिप्स के इस दरीना तल्लुक में उनके मिस्टर कोहली के बेटा आया, फिर बेटे के बाद फिर बेटे का बेटा आया, यानी 3 नस्लों तक मिस्टर चिप्स ने उनको पढ़ाया। तो वो 3 नस्लें ही शरारती थी। मिस्टर कोहली पहला जो था नंबर 1, उसको भी सजा मिली, दूसरे को भी मिली और तीसरे को भी मिली। तो मिस्टर चिप्स ने तीसरे को कहा कि तुम्हारा वाला जो था वो भी शरारती था और एक स्टूपिड पर्सन था, इसी तरह उसका वाला जो था वो भी स्टूपिड पर्सन था, तो तुम भी उन, लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा जो है वो शरारती तुम हो। तो इस तरह जो है वो इस नावल के अंदर ह्यूमर भी है और सेंटीमेंट्स भी हैं, और इसके अंदर जो है सबसे बड़ी एक बात कि ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी इस तरह है
कि मिस्टर चिप्स की एज जब 48 ईयर्स हुई तो उस वक्त जो है क्या हुआ कि एक लड़की जिसका नाम कैथे ब्रिजेस था, तो वो मिस्टर चिप्स के साथ इत्तफाकन एक पहाड़ी इलाके में उस वक्त मिली जब वो अपनी एक फ्रेंड को देखकर हाथ हिला रही थी। तो मिस्टर चिप्स ने समझा कि वो ट्रबल में है, मुसीबत में है, तो उनकी हेल्प करने के लिए वो उस पहाड़ी पर चढ़ गए। तो लेकिन इस कोशिश में उनको खुद मौत आ गई। तो फिर क्योंकि वो लड़की साइकिल चला लेती थी, वो पेशे के लिहाज से नर्स थी लेकिन जॉबलेस थी, तो वो मिस्टर चिप्स को अपनी सहेली के साथ मिलकर घर पहुंचा कर गई और वो थोड़े थोड़े वक्फे से रोज़ाना मिस्टर चिप्स को जो है वो देखने भी आती थी, उनकी तीमारदारी भी करती थी। तो इसी दौरान मिस्टर चिप्स जो था कैथे ब्रिजेस के साथ जो है वो इंटीमेट हो गया और फिर जो कैथे ब्रिजेस थी उसकी आंट ने दोनों की आपस में शादी करवा दी। लेकिन ये शादी जो है ज़्यादा अर्सा नहीं चल सकी, तो जो कैथे ब्रिजेस थी वो चाइल्ड बर्थ में उसकी डेथ हो गई, बच्चे की भी और कैथे ब्रिजेस की। तो इस तरह ये एक सानिया जो था वो मिस्टर चिप्स के लिए बहुत ही मुसीबत की घड़ी थी और इसमें मिस्टर चिप्स जो था वो अपना सब कुछ गुनवा चुका था और अब उसके पास जो कुछ भी था वो उसकी यादें थी। तो इसलिए अब 85 ईयर्स में मिस्टर चिप्स जो था वो मिसेज विकेट के घर में रिटायर्ड लाइफ इस तरह गुजार रहा था कि एक लम्हे वो कहका लगा के हंस उठता था, दूसरे लम्हे रो पड़ता था। तो देखने वाला ये नहीं बता सकता था कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो रो रहे हैं कि हंस रहे हैं। तो इस तरह मिस्टर चिप्स की एक नॉस्टैल्जिक लाइफ जो थी वो गुजर रही थी और वो उन्हीं यादों के सहारे जो कैथे ब्रिजेस के साथ थे और जो ब्रुकफील्ड स्कूल के साथ थे और वो लड़कों के साथ उसका शफकत और प्यार था अक्सर, क्योंकि लड़के जो थे वो मिस्टर चिप्स से मिलने आ जाते थे, मिस्टर चिप्स जो है वो उनको फूल चाय और बिस्किट पेश करता था। तो एक छोटी सी बात करते हैं कि मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स का नॉवल जो है इसका टॉपिक गुड बाय मिस्टर चिप्स क्यों है। तो कैथे ब्रिजेस और मिस्टर चिप्स के दरमियान जब मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो शादी से एक दिन पहले कैथे ब्रिजेस और मिस्टर चिप्स की मुलाकात एक होटल में हुई और जब उनके दरमियान अलहदगी होने लगी तो कैथे ब्रिजेस ने मिस्टर चिप्स को कहा कि आज से मैं आपको सर कहूँ, टीचर कहूँ या कुछ और कहूँ। तो मिस्टर चिप्स ने कैथे ब्रिजेस को कहा कि आप जो चाहें कह लें। तो चाहते हुए कैथे ब्रिजेस ने प्यार से कहा था गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो शायद इसी वजह से इस नॉवल का नाम पड़ गया। तो एक लड़का था लिनफोर्ड गार्डन उसका नाम था। तो मिस्टर चिप्स की जिस रात डेथ हुई थी आखिरी जो मुलाकात के लिए लड़का आया था वो छोटा सा एक लड़का था, मिस्टर चिप्स ने उसको चाय बिस्किट से तवाज़ो की थी और मिस्टर चिप्स उसके साथ बातें करता रहा था। तो जाते हुए उस लड़के ने एक जुमला बोला था और वो जुमला ये था गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो ये जुमला जब मिस्टर चिप्स ने सुना शायद फिर वो अपनी नॉस्टैल्जिक कंडीशन में चला गया और वो पुरानी यादें उसको सताने लगीं और शायद इन्हीं यादों में उसकी डेथ हो गई और सुबह जो है वो मुर्दा हालत में पाया गया। तो पहले चैप्टर में तकरीबन ये चीज़ें ही डिस्कस हुई हैं, नेक्स्ट चैप्टर में जो होगा वो तरतीब और हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, अपने कमेंट्स के साथ अपनी राय ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वस्सलाम।